यूलिसीज और पॉलीफेमस। बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सैनिक रहते थे। यूलिसीज उन्हीं सैनिकों में से एक था। एक बार युद्ध के बाद वे जब समुद्री रास्ते से शहर की ओर वापस लौट रहे थे तो वे रास्ता भटककर किसी अन्य देश में पहुंच गए। इस देश में विशाल काय राक्षस रहते थे जिन्हें साइक्लॉप्स कहा जाता था। उनके माथे के बीचों बीच एक आंख थी। वे गुफाओं में रहते थे। उनकी बकरियां व भेड़ें भी गधों के समान बड़ी बड़ी थी। राक्षस पॉलीफेमस ने यूलिसीस और उसके साथियों को अपनी गुफा में बंद कर दिया। वो हर रात उनमें से दो सैनिकों को मारकर खा जाता था। एक दिन यूलिसीस ने एक योजना बनाई। उसने पॉलीफेमस को एक नशे वाला शरबत पीने को दिया। जिससे पॉलीफेमस खुश हो गया और उसने उसका नाम पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है कोई नहीं। नाम सुनकर उसे हंसी आ गई। ये कैसा नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। ये कहकर वो सो गया। उसके सोने के बाद यूलिसीस ने एक लकड़ी लेकर उसकी आंख में घुसा दी। वो दर्द से बेहाल होकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अन्य राक्षस गुफा के पास आ गए। गुफा बंद थी इसलिए उन्होंने बाहर से ही पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मुझे कोई नहीं मार रहा है। उसकी बातें सुनकर सारे राक्षस वहां से इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे कोई नहीं मार रहा है। आंख फूटने से पॉलीफेमस को दिखाई देना बंद हो गया। अब प्रत्येक यूनानी सैनिक ने उसकी भेड़ के पेट से अपने आप को कसकर बांध लिया। अगली सुबह पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर चरने भेज दिया। भेड़ों के साथ ही यूनानी सैनिक गुफा से बाहर निकल गए। यूलिसीस से बदला लेने के लिए वो चतुराई दिखाते हुए बोला, कोई नहीं, तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे पास आकर बैठो। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला क्योंकि यूलिसीस अपने साथियों के साथ पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था।